यह है छोटा सा रूम जो मैडम ने फैला दिया है पूरा पूरा। इधर गद्दर, उधर लब्बा, पता नहीं क्या क्या, इधर चादरें फादरे, और खुद हो गई हैं तैयार, अपने बैग कर लिए पैक, और शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? हल्द्वानी या नैनीताल? लॉन्ग ड्राइव, जहाँ पहुँच जाएंगे। और परलोक पहुँच गए। सही बोल रहा, परलोक। तो ये जा रहे हैं, और फिलहाल ये फैलावा हम समेटेंगे आने के बाद में। सब फैला दिया है, जूते चप्पल इधर से उधर, बैग की हो गई पैकिंग। मैंने अपना एक छोटा कैरी बैग ले लिया है, अपना एक मैंने माउंट ले लिया है, और थोड़ा सा सामान वहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए, और बैग पैक कर लिया है, और एक कंबल लेके जाएंगे। हो सकता है हमारा कार के अंदर ही कैंपिंग हो, जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा किचन, जो फैलावा किचन में भी फैल रखा है। तो ये छोटे आदमी है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी, और फिलहाल अभी टेम्परेरी यहाँ पे रिहाइश है हमारी, तो शिफ्टिंग होगी थोड़े बाद में, जब हमारे पास में थोड़े पैसे वैसे आ जाएंगे। ऑलमोस्ट जो है बाजपुर वाले रोड पे चल रहे हैं टूवर्ड टू नैनीताल, और सिंगल वे है, तो यहाँ पे स्पीड भी हमारी लगभग मेंटेन वही 60-70 के एवरेज में ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि सिंगल वे है। और जैसे जैसे शाम हो रही है फॉग बढ़ते आ रहे हैं, मतलब धुंध दूर से दिख रही है, हल्की ठंड महसूस भी हो रही है, ब्लरिंग अभी नहीं है, विजिबिलिटी सही है थोड़ी, और आगे चल के देखेंगे विजिबिलिटी कैसी रहती है। तो नैनीताल पहुंचने में हमें 2 घंटे तो लग जाएंगे, हमने थोड़ा सा निकलने में लेट कर दिया था एक्चुअली, और देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मेरी फुआड़ बीबी मेरे साथ में है, मेरा सफ़र ज़्यादा अच्छा जाने वाला नहीं है। ये बैठी क्योंकि इनको हर चीज़ में अभी टांग अड़ानी होती है बेसिकली। कैसे बना रहे हो ये? सो गाइस, कुछ स्पेशल लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली हमारे पीछे एक शिफ्ट चल रही है, वो रीज़ा है भी आगे निकलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई इस पर लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ऑलमोस्ट जो है पुलिस का सायरन बजा के ऑलमोस्ट जो है सारे निकल रहे हैं। तो ये है वो ब्रीजा गाड़ी, UP 14 नंबर ये जा रही है, देख सकते हो आप, ये पुलिस का सायरन लगा रखा है, और बस अपने ठाट में निकले जा रहे हैं, चाहे दूसरे में कट मारें जो मर्जी, ये वो वही है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे किसी मजिस्ट्रेट की गाड़ी आ रही हो, और इल्लीगल चीज़ है। बस वही है कि जो जहाँ पे जिसकी चल रही है चला रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसे सही नहीं है, लोगों को इस चीज़ का वो करना चाहिए, ये सिक्योरिटी पर्पस का इशू है, और इससे बहुत ज़्यादा लीगल एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। देखना, सो ये है वो ब्रीजा, UP 14 नंबर है, हम इसके आ गए हैं करीब काफ़ी, ये आप देख सकते हो। A few moments later. जो सायरन भैया हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, फिलहाल स्पीड चलानी पड़ रही है कम, और फॉग है बहुत तगड़ा वाला, आगे से दिख रहा है, और ओवरटेक करने का मूड नहीं है, मगर फिर भी ऐसे ऐसे भाई हैं ये कमर्शियल गाड़ी वाले, UK 19 नंबर है, तो ओवरटेक करते घूम रहे हैं, बट इतने फॉग में भैया ओवरटेक करना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम तो सिंपल चला रहे हैं, आराम से डबल इंडिकेटर फॉलो करके, और होले 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 से हवा चल रही है, होले होले से ये हम चले। लगभग रात को हमने 8:45 बजे होटल देख लिया, और फिलहाल बाहर से थोड़ा सा खाना पैक करा के लेके आया, चाय लेके जाऊंगा, क्योंकि यार होटल में चीज़ें वो अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो पैसे भी डबल, और चीज़ का मज़ा भी नहीं। तो हम होटल की तरफ जा रहे हैं, होटल से हमने ले लिया है, और कल मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट काम है, हो सकता है उसके बाद में नैनीताल की विज़िट हो। तो ये रहा इस समय का वेदर, और दुकानें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़्यादातर बंद ही हो गई हैं सारी। मुझे लग रहा है अभी हम हल्द्वानी में रुके हैं, हल्द्वानी का जो लोग है वो जल्दी सो जाता है, मतलब दुकानें ज़्यादातर बंद ही हैं, पूरी पूरी मार्केट अभी यार 9 बजे 9:15 बजे और पूरी पूरी मार्केट क्लोज है पड़ी है सारी सारी ये। तो बस हम पहुँचे सामने अपना हो गया होटल, बहुत मिर्चें खाने में, हल्द्वानी वाले खाने में बड़ी मिर्चें नहीं थी भाई, मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज्यादा फॉग हो रही है टोटली। अभी चाय ढूंढने गया था, चाय ढूंढी है फिलहाल, तो गाड़ी में बैठ के पी जाएगी, और फिर निकलेंगे हम अतल उत्कर्ष की तरफ। यहाँ पीछे का एटमॉस्फेयर होटल टाइप मंडी टाइप है, और चल रहे हैं हम होटल। दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, एंड वी आर इन टू द कार, सही बोल रहा हूँ ना हिंदी में? सो
जा रहे हैं फिलहाल हम हल्दी चूर के पास में, जिसने हल्दी चुराई थी, हल्दी चोर है वहाँ पे कोई, तो उस जगह का नाम ही हल्द्वानी में हल्दी चोर पड़ गया है मुझे लगता है। तो हम हल्दी चोर जा रहे हैं फिलहाल, और उत्तराखंड का वेदर बढ़िया हो रहा है, दिखाते हैं हम आपको। सो ये है वेदर, लो कैरी अप कैरी ऑन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आगे अच्छे खासी धुंध है, मतलब हल्का ट्रैफिक भी है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है काफी ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। और ज्यादातर अभी शॉप्स दुकानें वगैरह खुली नहीं है, कुछ बंद ही चल रहा है फिलहाल, बिकॉज मॉर्निंग का अपडेट है और सभी कुछ बंद है, कुछ खुला नहीं है। उधर देखो कितना धुंध है। सो ये समय हम हल्द्वानी में हैं और हल्दी चूर जा रहे हैं, हल्दी चूर के पास में, हल्दी चूर सोए काम है। उसके बाद में हो सकता है मे बी ऑलमोस्ट हम दोपहर में 1 बजे के आसपास हम चले नैनीताल। गाइज मॉर्निंग का अपडेट, अभी हल्द्वानी हाईवे पे खड़े हुए हम, ये है पीछे का रास्ता, आगे भी कोहरा है, मुंह में भी कोहरा है, और जो है पीछे भी कोहरा है। ये बैठी मैडम अंदर ठंड में, और फिलहाल देसी एक चाय वाले मिल गए हैं, तो फिलहाल चाय पीते हैं, क्योंकि चाय की उड़क बड़ी खतरनाक होती है। और सब स्पेस, ये कंस्ट्रक्शन वाला हाईवे है मेरे ख्याल से, साइड में हमने गाड़ी लगाई है, और चाय की दुकान अपनी मिल गई है, वो रही भैया चाय की दुकान, और फिलहाल देसी चाय पियेंगे आज बढ़िया वाली। अच्छे रेस्टोरेंट है, वो से बड़े यहाँ की चाय बनती है, क्योंकि प्योर दूध होता है इनके पास मेरे ख्याल से। कुछ और भी लोगे, मट्टी फैन बिस्कुट पापे, तो भैया की चाय देखते हैं चल के कैसी बना रहे हैं। बननी चाहे अपनी हाईवे का लुक। सो मॉर्निंग की चाय अब मिली है 8:30-9 बजे, ये रही चाय हमारी, और भैया पीने में बड़ा मजा आ रहा है। रात को तो चाय मिली नहीं थी, बिस्कुट खाए, रात को चाय पीना कितना मन कर रहा था। फिलहाल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हमारी, और यहाँ पे हमें 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम निपटा के फिर हम निकलेंगे नैनीताल। सही है, और अपनी डेस्टिनेशन है, हाँ ऑलमोस्ट तो वही है, अपना सेंटर आ गया है। 2 घंटे का हमारा एक पेपर है छोटा सा, वो निपटा के फिर हम निकलेंगे फन टू उसके लिए।